चीयर्स चीयर्स। तो हम चाय पी रहे हैं और चाय के साथ साथ टैरो कार्ड रीडिंग भी सीख रहे हैं। तो स्मृति का आज सेशन है टैरो कार्ड का, तो हमने कहा हम चाय पे चर्चा करते हैं टैरो कार्ड रीडिंग। थैंक यू मैम। सो वेलकम टू आवर सेशन स्मृति, एंड थैंक यू कि आप जो वीडियो पे हमारा वीडियोस बनवाते हो, लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हो, लोगों को ज्ञान। इट्स माय प्लेजर, इट्स माय, कह रहा हूँ कि मैम मेरी भी एक इच्छा थी ये सब करने की, तो आपके हो रहा है आपकी तरफ से, तो मैं भी कर रही हूँ। तो ये जो सेशन है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या प्रोग्रेस हुई है, कल आपने क्या क्या टैरो कार्ड रीडिंग करी है, उसका क्या क्या आपने इंटरप्रिटेशन करी कार्ड्स की। तो स्मृति बताएंगी कि आपने कल क्या क्या टैरो कार्ड, किस किस की टैरो कार्ड रीडिंग करी। कल मैम मैंने एक तो अपने बेटे की करी और उसके बाद उसके फ्रेंड की भी करी। और अब चाय भी पीते रहो ना, टेक चाय के सिप्स, क्योंकि ये चाय पे चर्चा है ना हमारी मोदी जी की तरह से। जो भी मैम कार्ड्स निकाले थे, तो मैंने जो भी प्रेडिक्ट किया वो बिल्कुल एक्यूरेट था। उसने मुझे बल्कि कहा आंटी आपने बिल्कुल सही बताया, जो भी बताया। शेयर कर सकते हो कि क्या उस लड़की ने पूछा, क्या ओल्ड इज ही, क्या करता है बच्चा। वो अभी कर रहा है, आई थिंक है तो मेरे बेटे से बड़ा, लेकिन साथ में ही रहता है, तो उसका फ्रेंड है वो। वो मैम सीए कर रहा है, तो बेसिकली वाज आस्किंग कि मेरा इसमें करियर कैसा रहेगा। तो ही गॉट पेंटिकल्स कार्ड। अच्छा, तो इट शोज की पैसा कमाएगा, इसमें ग्रोथ होगा उसका। And he was asking about his relation, कि मेरा relation आजकल लड़कों का बच्चों का। Yes ma'am. Actually he is a young boy ना ma'am, like he is I think about 20 years old, I think 19 or 20. So मतलब इस age पे तो आपको पता है बच्चों का थोड़ा सा girlfriend boyfriend होती है। तो ही बस आस्किंग अबाउट हिज रिलेशन। तो मैंने कहा था तेरा कभी कोई क्रश था, मतलब कार्ड वाज शोइंग कि ही इज हैविंग समबडी क्रश ऑन समबडी। तो कौन सा कार्ड आया था कि जैसे आपको पता चला कि वो वाला आया था कप्स। यस मैम, कप्स का देखो इमोशन से कनेक्टेड होता है, तो कप्स आया था। और उसका ये भी शो हो रहा था कि मतलब ब्रेकअप तो नहीं कह सकते कि मतलब लड़ाई झगड़ा चल रहा है कुछ, हाँ कुछ ऐसा था। और फिर उसका आ रहा था मैम एक कार्ड पे यही पेंटिकल्स वाला, मैंने आपको बताया यही दो क्वेश्चंस थे उसके कल के। के बच्चों के दो ही मेन क्वेश्चन थे, करियर और लव। यस मैम। तो जो आपने अपने पांच छह क्लासेस में अभी इतना अच्छा इंटरप्रिटेशन करना शुरू कर दिया है, जस्ट बिकॉज ऑफ यू, थैंक यू सो मच। नहीं, यू आर मोस्ट वेलकम। तो दोस्तों जैसे पेंटिकल्स का कार्ड आता है तो मनी और करियर से कनेक्टेड होता है, और अगर कप्स के कार्ड्स आते हैं तो दे आर कनेक्टेड विद इमोशंस। और उनमें भी क्योंकि काफ़ी सारे कार्ड्स होते हैं, उनमें 13 कार्ड्स होते हैं, तो हर 13 कार्ड की एक एक अलग अलग इंटरप्रिटेशन होगी। तो आपको सारा ओवरऑल देखना पड़ेगा कि वो कैसी उसकी लाइफ चल रही है। तो वन कार्ड वो शोइंग की उसके ना मतलब मैम वो वाला कार्ड था कि उसके घर में भी कुछ परेशानी चल रही है, पास प्रेजेंट फ्यूचर। तो प्रेजेंट मैंने कहा तेरे घर में कुछ पंखे चल रहे हैं, हाँ आंटी चल रहे हैं, और मैं बस सुनता ही रहता हूँ, कभी कोई कर रहा है कभी कोई कर रहा है। मैंने कहा कुछ तो चल रहा है लाइफ में, मतलब ये बस आज मैं रिलेशंस के बारे में पूछा ना कि मेरे घर में या मेरे आगे कैसा रहेगा, तो वो कार्ड आया। हाँ, तो देखिए कार्ड्स जो है पूरे घर की राम कहानी बता देते हैं, आपके क्लाइंट की पूरी एक एक उसकी लाइफ में क्या क्या घट रहा है। हाँ। तो और ये नई नई टैरो कार्ड रीडर है, तो टैरो कार्ड रीडर इन द मेकिंग है, ए वेरी गुड टैरो कार्ड रीडर अबाउट टू ब्लॉसम। तो ये इतनी अच्छी इंटरप्रिटेशन कर रही है, तो आप लोग भी सोचिए कितनी जल्दी अच्छे से सीख पाएंगे। तो फटाफट आप लोग कॉल करें मेरे नंबर पे 9811142249 एंड लर्न टैरो कार्ड रीडिंग। और प्रोफेशनली घर पे बैठ के इट्स सो इजी ना, घर पे बैठ के आपके पास लोग आते हैं, दे एंड यू कनेक्ट टू पीपल। सबसे ज़्यादा मज़ेदार चीज़ है कि यू विल गेट सम मनी ऑल्सो, आपको अच्छा भी लगेगा, आप कंट्रीब्यूट भी कर रहे हो और पॉपुलर भी हो जाते हो अपने नौ लोगों में। यस मैम, जैसे सब कहते हैं कि मेरा भी देखियो, मेरा भी देखियो, मेरा भी बता, मेरा भी बता। यू नो मेरी कजन वो आए हैं जिनसे हम 10-15 साल से नहीं मिले थे, जैसे उन्हें पता चला मैं टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ, वो इतनी दूर से आए, वो साउथ दिल्ली रहती हैं, हम लोग नॉर्थ दिल्ली में, शी गिव ऑल द वे विद हर सन, अपॉइंटमेंट लिया कि वो देख मेरा कि मैं घर लूँ या नहीं लूँ।
तो वो घर के बारे में किसी दिन और चर्चा करेंगे, बट यू कनेक्ट टू सो मेनी पीपल, तो इट्स अ वेरी फैसिनेटिंग थिंग और बहुत जल्दी सीख जाते हो इन कंपैरिजन। इंटरेस्टिंग एक्चुअली मैम, इंटरेस्टिंग बहुत है, इट इज इंटरेस्टिंग। यस, कि कार्ड्स को देख के आप दूसरे की कहानी कैसे निकाल रहे हो, तो ये बहुत पावरफुल है कि इतनी जल्दी आप सीख जाते हो एक मोडालिटी में जो दूसरे की बातें निकाल रही है। तो यू आर मोस्ट वेलकम टू लर्न टैरो कार्ड रीडिंग विद संगीता हीलिंग टेम्पल्स।